सो वेलकम बैक गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जो आपका ये योर डिवाइस इज करप्टेड, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, मे नॉट बी वर्क, इस एरर को कैसे सही करेंगे। और इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इस एरर को कैसे सॉल्व करें, या जो एरर आती है सारे डिवाइसेस में आती है, लगभग सारे डिवाइसेस में आ सकती है जो ओल्डेस्ट फ़ोन होते जा रहे हैं। तो उन सबको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि ये वीडियो देख के वो अपने एरर को, अपने प्रॉब्लम को सेल्फ ही सट आउट कर ले। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सारे व्यूअर्स को कि ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना, अपने फ़ोन को स्टार्ट करना है। अगर आपका फ़ोन स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब स्टार्ट कैसे करना मैं वो भी बता देता हूँ। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, आई मीन कि 10 से 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक मिनिमम आपके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। दबाए रहिए जब तक डिवाइस आपका ओपन नहीं हो जा रहा है। अगर ओपन भी हो जा रहा है थोड़ा सा तो भी दबाए रहिए, क्योंकि जो आपके डिवाइस का लोगो है, जब तक आप होम स्क्रीन तक ना पहुँच जाएँ, ठीक है। तो दबा प्रेस किए रहिए उस बटन को, जब आपको लगे कि अब मेरा डिवाइस प्रॉपरली ओपन हो गया है तो आप छोड़ दीजिए उसको। फिर जब आपका डिवाइस ऐसे करने पे ओपन हो जा रहा है तो भी वो एरर आपके फ़ोन में आएगा, क्योंकि वो एरर जब आप रिस्टार्ट करेंगे तब आपको बार बार वो परेशान करेगा। तो एक्चुअली देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। तो अगर आपका डिवाइस स्टार्ट हो जा रहा है तो ठीक है, आप तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं उसका सलूशन दे रहा हूँ कि कैसे, अगर आपका डिवाइस अगर ओपन हो जा रहा है तो आपको उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करके आपको ब्राउज़र से मिनिमल ADB, जिसका नाम होगा मिनिमल ADB फास्ट बूट फाइल, तो उसको ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल का नाम होगा मिनिमल ADB फास्ट बूट डिवाइस। तो इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने PC में, लैपटॉप में। उसके बाद अपने फ़ोन को USB के थ्रू कनेक्ट कीजिएगा अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद तो आपको ये एरर सॉर्ट आउट करने के लिए बस आपको दो कमांड रन कराना होगा। तो आपको उसमें दो कमांड रन कराना है। पहला कमांड है ADB डिवाइसेस। जब ADB डिवाइसेस लिख के आप रन कराएंगे तो उसमें आपका डिवाइस का जो सीरियल नंबर है, जो ADB नंबर है, वो उसमें आ जाएगा। अब यहाँ से ये पता चल जाता है कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड है, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा नेक्स्ट कमांड से। तो आपको सेकंड कमांड आपको यूज करना है ADB रिबूट और डबल कोट्स में DM - वेराइटी इनफोर्सिंग, फिर डबल कोट्स क्लोज। इसके बाद जब इंटर करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका डिवाइस एक बार रिबूट हो जाएगा और आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो योर डिवाइस इज करप्टेड मे कैन नॉट बी हेल्प वर्क प्रॉपरली, ये जो आपका बार बार रिबूट करने पे आता है, ये सक्सेसफुली हट जाएगा। इसमें कोई आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें सारा आपका प्रॉपर वे में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका डिवाइस लॉन्ग प्रेस करने पे ऑन ही ना हो रहा हो तब क्या करेंगे, आपको उसके लिए भी इस वीडियो में सोल्यूशन है और ये बता रहा हूँ आपको। सेकंड थिंग्स ये है कि अगर लॉन्ग प्रेस करने पे अगर आपका डिवाइस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको करना है क्या, कि जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में अपने बताया था कि आपको उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वो फाइल, और एक्चुअली आपको आपके चिप में, आपके फ़ोन के चिप में वो फाइल इंस्टॉल करना है, और वो भी लगभग 1.345 GB का होगा, लगभग 1.5 GB का होगा वो फाइल। तो उस दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड करेंगे अपने चिप में, चिप निकाल के उस अपने डिवाइस के चिप में डाउनलोड कर लेंगे, या किसी लैपटॉप से डाउनलोड करके अपने चिप में कर लेंगे। चिप में करने के बाद आपको चिप इंसर्ट करना अपने डिवाइस में और लॉन्ग प्रेस करना है, और वॉल्यूम डाउन बटन को साथ ही प्रेस करना है। जब वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को साथ प्रेस करेंगे तो आपको आपका जो डिवाइस फंक्शन रिबूट सिस्टम है उसमें ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा इंस्टॉल फाइल्स फ्रॉम योर SD कार्ड, वो आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप अपने SD कार्ड में चले जाइए। पहली बात तो आपके आपका लोकल स्टोरेज आ जाएगा, उसमें आपको SD कार्ड में जाना है। SD कार्ड में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना फाइल चूज करना है। जब आप फाइल चूज कर लेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे उसमें, उसके बाद वो फाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट कैसे करेंगे, पावर बटन दबाएंगे, बंद हो जाएगा, फिर उसको चालू कर दीजिए। पावर बटन दबा के फिर उसको चालू कर दीजिए, फिर आपका डिवाइस 100% रिस्टार्ट हो जाएगा।
स्टार्ट होने के बाद वो आपका जो फाइल, आप एक्चुअली वो एक एंड्रॉयड सिस्टम होता है, फाइल होता है, वो जो आपको अपडेट मिलता है ना, वो अपडेट काफ़ी दिनों से नहीं भेजा रहता है, या आसूस जो डिवाइसेस है अपडेट बंद कर देते हैं। तो वो इंस्टॉल करने पे आपका जो डिवाइस है ना, बहुत अच्छे प्रॉपर वे में चलेगा, बहुत अच्छे एनिमेशन आएंगे। जब आपका सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा तब फिर आपको वही प्रोसेस फिर करना है। एक्चुअली ये एरर फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो एरर आएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं है कुछ। वो आप स्टार्ट कर दीजिए लॉन्ग प्रेस करके, और उसके बाद उस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर जैसा कि मैंने पहले बताया है वही स्टेप सेम वही फिर मैं बता दे रहा हूँ। मिनिमल एडीबी जो फाइल है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, और अपना फ़ोन यूएसबी से कनेक्ट करेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट में एडीबी डिवाइसेस लिखेंगे, इंटर करेंगे, आपका डिवाइस आ जाएगा उसमें। अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ फ़ोन में यूएसबी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाता है, आसूस के फ़ोन में ही। तो उनका ये सोल्यूशन यही है कि आप बस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके स्टार्ट किया कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले आपका ये डिवाइस फ़ोन है और लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए, जब कनेक्ट हो जाएगा तभी आपको ये एरर परमानेंटली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सोल्यूशन यही है कि आप पे अपने डिवाइस को कनेक्ट कीजिए, ADB डिवाइसेस लिख के इंटर कीजिए, आपका डिवाइस आ जाएगा। फिर उसमें लिखना ADB रिबूट और डबल कोट्स में DM डैश वेराइटी और स्पेस इनफोर्सिंग डबल कोट्स क्लोज, इंटर करेंगे, फिर आपका फ़ोन है जो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका डिवाइस प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, और आपका ये प्रॉब्लम जो डिवाइस करप्ट का आर बार बार एरर आता है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने इतने लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और लाइक करेंगे तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये वीडियो इतने लोगों को पसंद आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चलते हैं मिलते हैं बिल्कुल न्यू वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।